प्रगतिशील भारत की नई तस्वीर में कृषि की मुख्य भूमिका है। भारत की तरक्की के पीछे है किसान, जो इस प्रगति की नींव का निर्माण करते हैं। और यही वजह है कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। खून पसीने की मेहनत से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में इंसान को तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं, जो एक मजबूत भारत का आधार है। जरा सोचिए, भारत के लोगों का पेट भरने के लिए हर वर्ष हमें कई मिलियन मेट्रिक टन खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी खाद्य पैदावार प्रणाली प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए, पर अफसोस ऐसा नहीं है। पोषक तत्वों की कमी, फसल में लगने वाली बीमारियां और जैविक खाद के अभाव में कुछ प्रतिशत फसल हर वर्ष नष्ट हो जाती है। हालात काफी गंभीर है। फसल की सेहत और मजबूती का राज उसकी जड़ों में छुपा होता है। धरती के सीने से लिपटी जड़ें जहां एक तरफ फसल को मजबूती देती हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती फसल के विकास के लिए जड़ों द्वारा उन्हें जरूरी पोषण प्रदान करती है, जिससे शुरू होता है मिट्टी, जड़, फसल और भोजन का जीवन चक्र। और इस जीवन चक्र को समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों पर अपनी नजर डालते हैं। सन 1920 में जब पूरा भारत आजादी की क्रांति की लहर में बह रहा था, लगभग उसी दौरान दुनिया में एक और क्रांति जन्म ले रही थी। वो थी रासायनिक खाद का आविष्कार। डॉक्टर फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बॉश द्वारा बनाया गया ये पदार्थ खेती और उसको करने के तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सन 1939 में रासायनिक कीटनाशकों के आविष्कार ने खेती की दुनिया में क्रांति का एक और बीज बोया। ये आविष्कार विश्व भर के किसानों और फसल उत्पादन के लिए मील का पत्थर साबित हुए। विश्व भर में चल रहे इस आंदोलन में भारत भी शामिल हुआ और 1972 में भारत सरकार ने कीटनाशक कानून लागू किया। सवाल ये उठता है कि रासायनिक पदार्थ जो एक वरदान के रूप में उभरे थे, आज एक अभिशाप क्यों साबित हो रहे हैं? इसका जवाब इतिहास के कुछ और पन्नों पर बारीकी से नजर डालने पर मिलेगा। पुराने समय में किसान खेती के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए खाद का इस्तेमाल करते थे, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहती थी। गोबर से तैयार प्राकृतिक खाद एक ऐसा अनूठा मिश्रण है जिससे पौधों को सभी अनिवार्य तत्व प्राप्त होते हैं, और इन्हें बनाने की क्रिया के पीछे होते हैं सूक्ष्म जीव। ये पदार्थ फसल की सेहत और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों साल से चल रही इस परंपरा को खेती के मशीनीकरण ने पूरी तरह से बदल दिया। हल जोतकर खेती करने वाला किसान अब ट्रैक्टर की मदद से उतने ही समय में 10 से 15 गुना ज्यादा बड़े क्षेत्र को जोत सकता था। किंतु इतने बड़े क्षेत्र के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए खाद को जुटाना किसानों के बस में नहीं था। तब रासायनिक खाद एक वरदान के रूप में उभर कर सामने आए। शुरुआत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल फसल और पैदावार के लिए कारगर साबित हुए, क्योंकि उस समय मिट्टी पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों से भरपूर थी। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्राकृतिक खाद के कम इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होते चले गए। पोषक तत्वों के अभाव से फसल कमजोर एवं जीवाणु और रोगग्रस्त होने लगी। भूमि की उपजाऊ शक्ति भी घटने लगी, जिसका असर सीधा पैदावार पर हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी को अनुपजाऊ बनाने का एक ऐसा चक्रव्यूह शुरू हुआ, जिससे भेदना अत्यंत कठिन था। रासायनिक पदार्थ कुदरती रूप से पानी में घुलनशील होते हैं। इनकी ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल हमारे नदी और नालों को प्रदूषित कर रहे हैं। आज रसायन मनुष्य के भोजन का एक अहम हिस्सा है। पानी, भोजन, हवा सब प्रदूषित हो रहे हैं और ये हमारे शरीर में खाने की वस्तुओं द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। यही मुख्य कारण है कई बीमारियों का आम होना। जिस तरह अंधेरे की काट रोशनी है, उसी तरह विश्व भर की खेती पर मंडरा रहे काले बादल की काट जैविक खाद है। जैविक खाद ठीक वही काम करती है जो प्राकृतिक खाद करती थी। सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी का पीएच स्तर सामान्य रखकर
फसल की जड़ों का विकास करते हैं और इन विकसित जड़ों के माध्यम से फसल को 16 जरूरी पोषक तत्वों का एक अनूठा मिश्रण मिलता है, जिससे कि निरोग्य, मजबूत और उच्च कोटि की फसल तैयार होती है। कड़े वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रयोगों का नतीजा है बेहतरीन जैविक उत्पाद, जो इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड की देन है। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले जैविक उत्पाद बनाने वाली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो प्रकृति से सूक्ष्म जीवों की सबसे ताकतवर प्रजाति को लेकर प्रयोगशाला की नियंत्रित स्थिति में उनकी संख्या को करोड़ों गुना बढ़ाने में कामयाब हो गया है। इन सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुलीकरण ही इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के प्रोडक्ट्स को परंपरागत खाद से अलग करती है। जैविक खाद न सिर्फ कृषि के लिए बल्कि हमारे वातावरण को प्रदूषण रहित बनाने की ओर एक ठोस कदम है, और इस कदम को उठाने की पहल की है श्री महेश कुमार भागचंद का ने। बहुमुखी प्रतिभा वाले श्री महेश इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो और उसकी उन्नति संपूर्ण रूप से हो, ये श्री महेश कुमार भागचंद का लक्ष्य है। इस देश और इसके लोगों के लिए एक अच्छा जीवन बनाना मेरा कर्तव्य है। आने वाले 20 सालों के बाद लोग कहेंगे कि आप मेरे घर खाना खाने आइए, ये जैविक है, और डॉक्टर भी इसकी सलाह देंगे। एक दिन हमें जैविक खाना अपनाना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के उत्पादों की एक बूंद में 1 किलो खाद के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि बड़े से बड़े क्षेत्र को कम से कम मात्रा में उससे ज्यादा तत्व प्रदान करते हैं। पूर्वकालीन प्राकृतिक खाद की जगह आज इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के जैविक उत्पादों ने ले ली है। आसानी से प्रयोग होने वाली इन जैविक खाद की कीमत कम भी है। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड किसानों का दोस्त और फसल का सुरक्षा कवच, खेती का एक ऐसा सैनिक है जो हमेशा अमर रहेगा। श्री सूरज भागचंद का, जो इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जैविक खाद ही कृषि का भविष्य है। हमने किसान तथा देश के लोगों की भलाई के लिए जैव तकनीक से कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले उत्पाद बनाए हैं, जो खाद्य गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारे वातावरण को साफ रखती है। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड खेती संबंधी सारी समस्याओं का हल विशेष रूप से बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों द्वारा करती है। बायो फर्टिलाइजर्स, जो जैविक खाद है, मिट्टी को संकलित पोषण प्रदान करते हैं। बुआई से कटाई तक की कठिन यात्रा के दौरान पैदावार को हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और जब इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड हो किसान भाइयों के साथ, तो डरने की क्या है बात। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के शक्तिशाली उत्पाद जैसे काली चक्र, दमन और वर्टिफायर फसल को हर किस्म के कीट पतंगों के आक्रमण से बचाती है। इसमें शामिल है भूमि में रहने वाले, पत्ते को खाने वाले एवं रस चूसने वाले कीट, दीमक, नीमाटोड्स इत्यादि। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड अपने उत्पादों द्वारा फसलों में लगने वाली हर किस्म की बीमारियों पर काबू पाने की क्षमता रखते हैं। इंटरनेशनल पैनेशिया ने संभाली है कमान, करे हर बीमारी का समाधान। संजीवनी, सॉइल गोल्ड और फसल रक्षक का इस्तेमाल फसल को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों से बचाता है। फसल रक्षक और संजीवनी बीज को स्वस्थ रखते हैं, जिससे बीज और मिट्टी से फैलने वाली बीमारियों से फसल को बचाया जा सकता है। हवा से आने वाली बीमारी की काट है मिल्डाउन, जो फसल की पत्तियों को डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे बीमारियों से रक्षा करता है। फसल के प्रोटाव और अच्छी बढ़त के लिए है प्रीमियम सुरक्षा, जो खेतों को लहराती, मुस्कुराती फसल और किसान भाइयों की जिंदगी खुशियों से भर देता है। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड का कौन सा जैविक उत्पाद किस किस्म की कृषि समस्या के लिए सबसे कारगर है, ये कंपनी के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट श्री आर के आनंद से बेहतर कोई नहीं जानता। ये डिजीज कंट्रोल या न्यूट्रिएंट्स, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं पौधे को,
उसके साथ साथ ये जो भूमि की उपजाऊ शक्ति, जो उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसको भी ये सुधारते हैं। एक तो इनकी कॉस्ट बहुत कम है, दूसरा ये किसी भी, जैसे रेनी सीजन है, बारिश आ रही है, तो उन सिचुएशन में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यही रास्ता है जिससे हम दोबारा फिर अपने वातावरण को, अपनी सॉइल को, पुरानी जो उर्वरक शक्ति थी उसको मेंटेन कर सकते हैं। पीली पट्टी पर बैठी तितली के चिन्ह वाली इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड ISO 9001:2008 प्रमाणित कंपनी है। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के उत्पाद भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है और इनके इस्तेमाल की सलाह कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर भारत सरकार द्वारा की गई है। राष्ट्र हित में खाद्य सुरक्षा, किसानों की भलाई और स्वस्थ जीवन के लिए कृषि में ज्यादा से ज्यादा जैविक उत्पादों का प्रयोग हो, ये जिम्मेदारी इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड ने अपने कंधों पर ली है। गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक खेती के फायदे, उनके इस्तेमाल करने का तरीका, पैदावार पर उनका असर और रासायनिक पदार्थ के दूषित परिणामों के बारे में शिक्षित करना इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड कंपनी की कार्यनीति है। ऐसी ही एक किसान सभा को आयोजित कर रहे हैं श्री आर के आनंद। किसी भी क्रॉप को, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो ग्रेप्स हो। श्री आनंद एक ऐसे सैनिक हैं जिनकी लड़ाई इस देश की मिट्टी के लिए है। ये बखूबी जानते हैं कि अगर आज अपनी मिट्टी को वापस से उपजाऊ नहीं बनाया गया तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास खाने को रोटी और पीने को साफ पानी न रहे। 38 वर्षीय बलदेव सिंह पेशे से किसान हैं। पिछले कई वर्षों से उनकी धान की फसल बकाने रोग का शिकार हो जाती थी, जिसे उनका भारी मात्रा में नुकसान होता था। इस समस्या का कोई हल न मिलने के कारण वो काफी परेशान रहते थे। घर से परेशान निकले बलदेव का सामना श्री शेषकरण सैग द्वारा संगठित किसान सभा से हुआ। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के जैविक उत्पाद के बारे में जानकारी पाकर मानो बलदेव की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। परेशानी छोड़ उन्होंने खुशहाली का रास्ता अपनाया। आज इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के उत्पाद के इस्तेमाल से उनके पास स्वस्थ, हरी भरी और लहराती कई एकरों में धान की फसल है। IPL कंपनी का जो संजीवनी और फसल रक्षक था, ये डाला, जो फसल जो पहले बर्बाद हो गई थी वो तो गई, उसके बाद जो भी थी फसल थी वो बिल्कुल हरी भरी है, उस टाइम चल रही है, सही है। बलदेव सिंह की तरह अन्य किसानों को भी इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के उत्पादों के इस्तेमाल से काफी फायदा हुआ है। फसल रक्षक मेरे वास्ते वरदान आई, फसल मेरी बच गई, बहुत बढ़िया बन गई। रक्षक है वो, हमारी जिंदगी की रक्षक करता है, जैसे कि जो पेड़ थे इनकी रक्षा की और अच्छे बन गया, लेकिन पहले खत्म हो चुके थे। अब जो रक्षक के साथ इनकी रक्षा होती है और हमारी जिंदगी की रक्षा होती है। सोयल गोल्ड का मतलब होगा कि मिट्टी को सोना बनाना, जैसे मिट्टी को सोना बना रहा है सर, तो ये मतलब सोना ही है वाकई में। न सुलझने वाली समस्याओं को सुलझाएं, इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के जैविक उत्पाद लगाएं। लक्ष्य है किसानों की भलाई। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड करे शुरू से अंत तक की लड़ाई। किसी भी किसान के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है अपने खेत में मिट्टी की पीएच की जानकारी। ये 4 से लेके 10 तक बना हुआ है, 7 पॉइंट हर मिट्टी के उसमें नॉर्मल कहलाता है। जिस तरह बीमार इंसान के लिए भोजन खाना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह मिट्टी का असामान्य पीएच उसके बीमार होने का संकेत है। इस स्थिति में मिट्टी के लिए पौष्टिक तत्वों पर नियंत्रण रखना असंभव हो जाता है। मिट्टी के कसरिया या अम्लिया होने के आधार पर इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के प्रशिक्षित अधिकारी किसानों को उनके लिए सबसे कारगर उत्पादों की जानकारी देते हैं, जिससे उनकी फसल और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। खेती संबंधी किसी भी समस्या का हल जानने के लिए आप इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड कंपनी को हर एक उत्पाद पर छपे कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर सकते हैं। ये सेवा हर एक किसान और हर एक फसल की अच्छी पैदावार के लिए है। सिर्फ उत्पाद बेचना इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड का लक्ष्य नहीं है, किसानों और इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड की साझेदारी जीवन भर की है। हरिद्वार में इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला किसानों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। ये अत्याधुनिक प्रयोगशाला ही इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के प्रोडक्ट्स की जननी है। इस प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों से उत्कृष्ट जैविक पदार्थों का मिश्रण निकल कर सामने आता है। इतने सख्त निरीक्षणों के तहत तैयार हुए इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के उत्पाद सही मायने में किसान के सच्चे साथी हैं।
मिट्टी में पीएच के स्तर को सामान्य रखें और फसल के विकास के लिए शक्तिशाली आधार बने इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड। जड़ की शाखाएं बढ़ाए और फसल को ज्यादा पोषण मुहैया करवाए इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड। देखिए इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड का चमत्कार, करे हर किस्म की बीमारी को बेजार। मिट्टी, हवा और बीज हर किस्म के रोगों से मुक्ति दिलाए इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड। संक्षेप में, मिट्टी को उपजाऊ और फसल को ताकतवर बनाकर उत्पादकता को बढ़ाए इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड। किसी भी रासायनिक पदार्थ के बदले इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के उत्पाद कम लगे और आसानी से लगे। इस्तेमाल में है आसान, थोड़ी सी मात्रा कर दिखाए कमाल। आज इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड की उड़ान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड ने अपने पंख इथियोपिया और किर्गिस्तान तक फैला लिए हैं। इथियोपिया के अदिस अबाबा शहर के नजदीक इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड ने 25 हेक्टेयर जमीन बायो प्रोडक्ट्स के निर्माण इकाई की स्थापना के लिए खरीदी है, जहां से विश्व के कई देशों के किसानों के लिए जैविक उत्पाद मुहैया कराया जाएगा। इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड के उत्पाद बहुत जल्द नजदीकी देश नेपाल और बांग्लादेश में भी उपलब्ध होंगे। पर्यावरण के अनुकूल इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड सिर्फ जैविक उत्पाद नहीं है, इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड एक दृष्टिकोण है जो फसल, किसानों और दुनिया को बेहतर जगह बनाने में वरदान जैसा साबित हो रहा है। फसल और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए करिए पीली पट्टी पे तितली वाले इंटरनेशनल पैनेशिया लिमिटेड का इस्तेमाल।